अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक हमेशा अच्छे रखे, खुश रखे। संडे मॉर्निंग तो हो चुकी है और अभी से जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को फुल देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज की संडे जो है बहुत मेहनत वाली है, क्योंकि सब अभी हमको धो के खाना बनाने से पहले क्लियर करना है। और ये सब भिगोए हैं अभी हम, तब तक नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद कपड़े में हाथ लगाएंगे और उसके बाद ही खाना बनाएंगे आज। और ये नाश्ता रेडी हो चुकी है और दे देते हैं। और नाश्ता बना के हम दे चुके, किचन क्लियर कर चुके और अब चलते हैं कपड़ा धोने। और कपड़ा धोते धोते हम चाय पीने की याद आ गई, इसलिए कपड़ा छोड़ के चाय पी रहे हैं। और कपड़ा मेरा धुल चुका है, अब चलते जल्दी खाना बनाने। और खाना में सोच रहा है तहरी बना देते, वही जल्दी बनी क्योंकि और भी बहुत सारा काम है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, जैसे कि दो दिन से सोच रहे थे जाने जाने का, तो नहीं जा पा रहे थे और अभी जा रहे और जाके ही मिलते हैं। और हम आके बैठे हैं, बहुत देर हो रही है हमको आए। बाबू अपने पापा के साथ गए थे आज शॉप पे, अच्छा लगा? और आपा की आज मेरी मुख थोड़ी बहुत ज्यादा आपसे बहुत ज्यादा दुखी है, वजह भी है दुख होने का। और अभी आप कोई आने वाला को रोक नहीं सकता है, कोई जाने वाला को रोक नहीं सकता। बात सही है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, पर हम लोग तकलीफ होती है, तकलीफ बहुत होती है। हम लोग अपने दिल से मजबूर है, दिल से बहुत होती है। मेरे घर में जो लड़की रहती थी नसीहत चली गई, उसको भुलाने में टाइम लगे, उसको हमेशा हम अपने बाल बच्चे से हमेशा ऊपर रखे हर चीज। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं ना, दवा लाने जाते हैं ना, अगर उसके रास्ता में अगर हमको कुछ नजर आता है ना, तो हम वो दवा नहीं लेके ना हम उसके लिए वो सामान खरीदते, उसके लिए हम वो सामान खरीदते। जाने दिए थे तकलीफ मत करिए, एक दिन तो उसको जाना ही था। ये बात तो हम हमेशा आपको बोलते कि नसीरा को एक दिन जाना। मेरी गलती यहाँ ये हुई कि हम उसको अपनी बेटी की तरह समझा। बेटी तो ससुराल जाके फिर लौट कर आती है ना माँ को देखने, वो कभी आएगी कभी हम जानते हैं। हम तो जानते हैं किसी को अपने घर में रखना नहीं चाहिए, अगर इंसान उसको रख लो तो उतना दिल न लगा। उसकी जाने के बाद जो जुदाई होती है ना, वही इंसान वो समझ सकता है उसकी जुदाई के बाद कौन सा दर्द लगता है उसको। अब ये जख्म भराते भराते ना मेरा टाइम लगेगा। हाँ बस, क्योंकि नसीरा इस गांव में पूरा फैमिली मेंबर्स की तरह थी ना। जो अल्लाह पाक हमको दिया, जितने में दिया, जो भी होटल वगैरह, रमजान में हम लोग मार्केट किए, हर चीज हम लोग पहले करे, पहले मार्केटिंग उसका हुआ। नसीरा सब नहीं, नसीरा की ये ले लो, नसीरा की वो ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, बैग ले लो, चप्पल ले लो, जो भी अल्लाह पाक हम लोग को दिया, जो भी बड़ा बड़ा होटल में जाते थे, जैसे भी होटल में जाते थे, हर जगह वो साथ में। हाँ, वो तो हम लोग के हर वीडियो में हर जगह है नसीरा, जबकि वो खुद घबरा जाती थी। हम पूछते थे ना बाद में उससे कि नसीरा तुम होटल में क्यों घबराई ना, मैंने आंटी हम पहला बार आए ना इसीलिए हम इतना घबरा गए। पता नहीं वो आप इतना रो रही, इतनी याद कर रही हूँ, वो याद कर रही कि नहीं कर रही, कैसे जाने दीजिए। वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ में खुश है, ये उसकी खुशी को सोच करके आप अपने आप को परेशान करते हैं। चलते हैं, अब अपने आप को परेशान मत करो,
जो कल बोले वही आज भी बोल रहे आपको, मैं आपको परेशान हूँ। और घर जाके ही मिलते हैं, और आपा बहुत ज्यादा दुखी है। दुख की बात भी है, जब कोई किसी को चाहता है और इंसान वो दूर चला जाता है तो उस इंसान को बहुत ज्यादा लगता है, और इस वजह से इस बार थोड़ा बहुत ज्यादा मूड अपसेट हुआ है। बस उनकी तकलीफ खत्म हो जाए जल्द से जल्द। और वीडियो को एंड अपना यहीं पर करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरे वीडियो को फुल सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।